याद करना है तो कर्मेंद्रियों से काम कर सकते हैं, याद की बात है। लेकिन जब सन्मुख बाप के सामने मुरली सुनते हैं तो मुरली फर्स्ट क्लास मुरली तब ही है जब आप मुरली के अलावा और कोई काम न करें। और कोई काम करते रहेंगे तो उस काम में बुद्धि चली जाएगी। तो टीचर की ओर से, टीचर की बातों की ओर से बुद्धि हटेगी या नहीं हटेगी? हट जाएगी। तो टीचर का मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हो जाता है। इसलिए मुरली में डायरेक्शन दिया हुआ है कि जब मुरली सुनते हैं तो और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास मुरली की बात है या सेकंड क्लास मुरली की बात है या थर्ड क्लास मुरली की भी बात है? फर्स्ट क्लास की तो पहले है क्योंकि बाप सन्मुख बैठा हुआ है। और सेकंड क्लास जो मुरली होती है उसमें भी बाप तो सन्मुख नहीं होता है, लेकिन बाप का चित्र सन्मुख होता है, बाप की वाणी भी होती है और बाप के हलन चलन इंद्रियों की वो भी दिखाई पड़ती है। और दृष्टि का वाइब्रेशन भी जड़त्व रूप में जरूर दिखाई पड़ता है। भक्ति मार्ग में 63 जन्म जड़ चित्रों के सामने रह करके श्रेष्ठता अनुभव की है या नीचे वाइब्रेशन अनुभव किए हैं? तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी श्रेष्ठता अनुभव करनी चाहिए, महत्व तो देना चाहिए। हद की दुनिया में हद का भूकंप आता है। हद में भू कौन है? और बेहद में भू कौन है? हद में भू है धरणी स्थूल और बेहद में भू है चैतन्य धरणी। जो भूकंप आया था उसका सबसे जास्ती प्रभाव इंडोनेशिया में हुआ था। कैसी एशिया? इंडियन एशिया। नाम पड़ गया इंडोनेशिया। उसमें भी सबसे जास्ती हड़कंप हुआ था इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में। और सागर के अंदर 50 किलोमीटर अंदर की स्टेज में भयंकर आवर्तन हुआ था। वो हद की बात हो गई, उसका असर तमिलनाडु में भी हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी हुआ। और आंध्रा में सबसे जास्ती विशाखापट्टनम में हुआ। अब बेहद की बात क्या है? बेहद में इंडियन एशिया, इंडोनेशिया वाली कोई आत्माएं हैं या नहीं है? कैसी एशिया? इंडियन एशिया। एशिया का क्या अर्थ है? एशिया है, दुनिया में ऐसा आराम करने वाले होते हैं ना कि सब तपस्वी होते हैं, हैं? दुनिया में जो बहुत ऐसा आराम करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, या खूब ऐसा आराम करने वाले अच्छे नहीं माने जाते हैं, हैं? दुनियावी भोग करने वालों को ऐश करने वाला कहा जाता है। वो ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करने वाले अच्छे होते हैं या तपस्या करने वाले अच्छे होते हैं? तपस्वी अच्छे माने जाते हैं। तो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा आराम करने वाले ऐसे एशिया वाले हैं जो विदेशी तो नहीं है, इंडियन सभ्यता वाले हैं, लेकिन फिर भी हैं ऐसा आराम करने वाले। उनके अंदर ये भूकंप आया, धरती कंप हुआ, और खास भारत में तमिलनाडु में भी हुआ। पहले भी तमिलनाडु में हुआ था या नहीं हुआ था? क्या नाम दिया? सुनामी। सु माने सुंदर, नामी माने नामी ग्रामी। हद की दुनिया में भी जो तमिलनाडु का हेड है, कौन है हेड? है चेन्नई तो हद में है, लेकिन हद में भी हेड कौन है? जिसने तमिलनाडु में खूब राज्य किया है, है? जय अम्मा। वो कहाँ की हो गई? कौन से स्टेट की? तमिलनाडु। तुम नहीं मिलते तो हम भी नाट मिलते। ऐसे नहीं है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराए हो, हम तो हैं तुम्हें दीवाने सनम। सच्चे प्यार करने वाले हैं या बदले का प्यार करने वाले हैं? हैं? तमिलनाडु वाले कैसे हैं? हैं? बदले का प्यार करने वाले हैं। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम ये चले, हम तुमको लात मार देते हैं। और बाबा कौन सा प्यार अच्छा समझते हैं? ईश्वर की दृष्टि में कौन सा प्यार अच्छा है? हैं? सच्चा प्यार माने कौन सा प्यार? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम छोड़ने वाले नहीं है, वो ही सच्चा प्यार है। तो बेहद की दुनिया में भी कोई ऐसा पार्टधारी होगा? है या नहीं है? हैं? बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा पार्टधारी भी है जो तमिलनाडु का हेड है, और ऐसा पार्टधारी भी है चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। क्या फूटी आंख से भी हमको कभी न देखो तो भी हम तुम्हारे बन के रहेंगे। कौन है? अरे ये दोनों प्यार तरह के प्यार करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं? कौन? छोटी माँ और बड़ी माँ। बड़ी माँ जगदम्बा और छोटी माँ हैं लक्ष्मी। चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम एक के ही बन के रहेंगे। दुनिया में और किसी को वर्ण नहीं करेंगे। इसके लिए शास्त्रों में कथाएं लिख दी गई हैं। कौन सी कथा मशहूर है? कहते हैं कि काम्पिल्य नगरी में एक राजा था उत्तानपाद। क्या नाम दिया? उत माने ऊपर, तान माने टांग दी, पाद माने पैर। कौन से पैर? है? कौन से पैर ऊपर को टांग दिए? बुद्धि रूपी पांव। ऐसा उत्तानपाद राजा, उसको 2 रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि माने अपने मनमाने तरीके से चलने वाली, अपनी ही रुचि पूर्वक चलने वाली, और दूसरी थी सुनीति जो भगवान की स्थापना की हुई सुंदर नीतियां हैं, नीति नियम हैं, उनके अनुसार चलने वाली। दोनों में से एक का पार्ट है तमिलनाडु। और दूसरे का पार्ट है उससे उल्टा। हाँ जी, ये यादगार मंदिर कहाँ की यादगार है? अरे किस समय की यादगार है? जरूर संगम युग की यादगार है। संगम युग में जरूर कोई आत्मा है जो ब्रह्मा को ही भगवान मानती है। कौन है वो आत्मा? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण ही गीता का भगवान है। ऐसी कोई एडवांस में आत्मा है स्पेशल जो 100% ब्रह्मा को ही भगवान मानती है कौन है? है जगदम्बा। और फिर भी पहले नंबर में चली जाती है, अंत में आती है और आदि में चली जाती है, लास्ट में आती है और फास्ट में चली जाती है। ज्ञान तो नहीं होता है, शिव बाबा को ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। शिव बाबा को कौन पसंद है? ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। लेकिन देहधारी गुरुओं को क्या पसंद है? है क्या पसंद है? प्योरिटी पसंद है। शिवाय और प्योर है। और प्रजापिता एवर इम्प्योर है। तो जिसके पास जो चीज नहीं होगी उसको महत्व देगा या दूसरी चीजों को महत्व देगा? है जो चीज नहीं है उसके लिए जरूर महत्व देना पड़े। इसलिए अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या इसका आवाहन करो, जगदम्बा का आवाहन करो या लक्ष्मी का आवाहन करो, विजयमाला का आवाहन करो। ओम शांति। हाँ जी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, वैसे ही टाइम कम है। आज के मुरली में बाबा ने बताया सदगति पहले साकार की होंगी, बाद में बाकी सत्य हो गया। और किसी किसी मुरली में यह बताया कि बाप दादा चाहे तो जा सकते, बच्चों के लिए रुकिए। जा सकना अलग बात है और सदगति करना अलग बात है। जाना तो होगा, निराकारी स्टेज एक की बन जाए तो जा सकते हैं, उसमें बाप दादा दोनों ही समाये हुए हैं। लेकिन चाहे कैसे बच्चों को छोड़ करके बाप चला जाता है क्या? अम्मा चली गई, लेकिन परिवार की जिम्मेवारी होती किसके ऊपर है? बाप के ऊपर होती है कि माँ के ऊपर होती है? तो बाप तो नहीं जा सकता, बाप नहीं जा सकता तो अम्मा भी नहीं जा सकती। और बाबा जिन दिनों पुरुषार्थ और याद अच्छी चलती है तो उन दिनों जो पेट का भोजन है उसकी आवश्यकता बहुत कम महसूस होती है। तो लिक्विड डाइट इसकी छाछ जूस आदि पर काम चल जाता है और जो भोजन का समय होता है समय की भूख नहीं लगती, उसके बाद एक दो घंटे के बाद भूख लगती है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा इंडिकेशन है क्या गलत इंडिकेशन है? बढ़िया है। जैसे जैसे आत्मा निराकारी बनती जाएगी, निराकारी स्टेज धारण करती जाएगी, देह की याद भूलती जाएगी तो देह का भोजन की जरूरत पड़ेगी? देह के भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मुरली में भी बोला है, योगियों का भोजन बहुत सूक्ष्म होता है। ढेर सारा भोजन जो खाते हैं वो ज्यादा विकारी होते हैं या कम विकारी होते हैं? कहते हैं हैदराबाद का निजाम बादशाह जिसको ढेर रानियां थी, वो नाश्ते में कितने केले खाता था? पूरा एक गौहर उठा के उसके सामने बड़े बड़े केलों का रखा जाता था, धाड़ पाड़ सारा खा जाता। तो ये निशानी है क्या? योगी का भोजन कम होगा। और बाबा हाँ। अभी बोला मुरली में मटेरियल रैली भी है, शूटिंग तो होती है, भागदौड़ की सेवा बेसिक में भी बहुत हो चुकी और बाचा की सेवा भी बहुत हो चुकी। धन की सेवा बहुत हुई, लेकिन धन से भी ज्यादा ताकतवर, वाचा से भी ज्यादा ताकतवर और तन की कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा ताकतवर मन है। मन एकाग्र हो जाए तो मन की सेवा जितना काम करेगी उतना और सेवाएं काम नहीं कर सकती। इसलिए बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। घर परिवार में भी कोई माताएं हैं बहुत बोल बोल करती हैं और बोल बोल करते करते जिंदगी में जब थक जाती हैं तो आखिर में क्या करती है? चुप हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी 2500 साल योग के नाम से क्या किया? तन की प्रक्रियाएं की, आसन लगाए, प्राणायाम किए, त्राटक किए। क्या योग की सत्य साधना हुई? नहीं हुई। आखिर इन बाप को ही आकर के बताना पड़ता है कि योग क्या है। उल्टा पल्टा लटक जाना, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करना, ये कोई योग नहीं है। योग है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा को पहचानो और परमपिता परमात्मा को पहचानो और फिर बुद्धि योग लगाओ। जैसे माँ का बुद्धि योग बच्चे में लगता है, माँ जब बच्चे को याद करती है तो भक्ति मार्ग में जैसे कीर्तन करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव जय सिया राम जय सिया राम, ऐसे बच्चे का नाम रटती है क्या? नहीं। जब याद करती है तो बच्चे का रूप सामने आ जाता है, आर्टिफिशियल रूप सामने आता है कि असली रूप सामने आता है? बुद्धि में असली रूप सामने आता है। ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा को याद करे तो परमपिता परमात्मा का असली रूप सामने आना चाहिए। वो तो तभी आएगा जब पहचानेंगे। भक्ति मार्ग में तो कह दिया सर्वव्यापी, तो किसे पहचानेंगे? ज्ञान मार्ग में एक व्यापी की बात है। ज्ञान मार्ग में भी दो छेड़े हैं, एक बेसिक एक एडवांस। बेसिक वाले कहते तो हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर गड़बड़ क्या है? एक व्यापी कहाँ है वो तो बताते ही नहीं। जैसे रावण जानता था कि राम भगवान है, फिर भी अपनी रैयत को बताता था क्या? नहीं बताता था। तो ऐसे ही ये राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय दो संप्रदाय हो गए। एक जानता है फिर भी मानता नहीं और बताता भी नहीं। और राम संप्रदाय जानता भी है, मानता भी है और बताता भी है। और हाँ बाबा जी, अभी दुनिया में मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है, तो मानसिक बीमारियों को मेडिकल के हिसाब से डॉक्टर अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि मैनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन आदि। तो हम एडवांस ज्ञान के आधार पर हम बोलते हैं ये सूक्ष्म शरीरधारियों के प्रवेशता के कारण होता है। तो ये अलग अलग नाम जो दिए गए बीमारियों को, ये कोई पर्टिकुलर उसका कोई कर्मों की गुई होती है जिसके कारण उसको ऐसे ऐसे नाम पड़े हुए, कुछ टाइप की आत्माएं हमने प्रवेश करके उनसे वैसा कर्म कराती है। जो भी भूत प्रेत आत्माएं हैं वो एक धर्म से कनेक्टेड हैं या अनेक अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, तो बीमारियां भी वो अलग अलग बता देते हैं। मानसिक मन तो एक ही है, लेकिन मन की बीमारियां अनेक प्रकार की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, किसी ने इस्लाम धर्म में ज्यादा जन्म लिए हैं, कामी बहुत बने हैं, कोई ने मुस्लिम धर्म में ज्यादा जन्म दिए हैं, लोभी बहुत बने हैं, कोई ने बौद्ध धर्म में जन्म लिए हैं। विपरीत विपरीत धर्मों में जन्म लेने वाली आत्माओं की बीमारियां भी मानसिक एक प्रकार की होंगी या अलग अलग होंगी? अलग अलग हैं। जवाब तो मिला नहीं है, जवाब तो मिला ही नहीं पाएगा। रैली निकल बाबा मुरली में पॉइंट है ना, जादव और कौरव लड़ेंगे और पांडव विष्णु की बात। बिल्कुल, लड़ाई कौन लड़ते हैं? हमें मालूम है, हम अगर ऐसा करेंगे तो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है तो लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो लड़ाई करेंगे। है और हाँ बाबा पूछता था, और उसने हाँ तो समझो किसी को किसी बीमारी ने पकड़ लिया है, सोर के अटैक के कारण बीमारी का नाम दे दिया सिजोफ्रेनिया या जो भी है, तो उस बीमारी में फिर उस वो आत्मा समझो एडवांस ज्ञान में चलने वाली है, तो उसके परिवार वाले तो ज्ञान में नहीं चलते, तो वो तो जानते नहीं है सोल का अटैक है, कर्म पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। तो वो आत्मा ऐसे ही सोचती है कि ये शिव बाबा का ज्ञान पकड़ लिया इस आत्मा ने और इसके कारण ये मेंटल हो गई, वो तो मेंटली बोलते हैं ना। और दुनिया वाले डॉक्टर भी उसको ऐसी ऐसी दवाइयों के कारण ही कंट्रोल होगा। और जब दवाइयाँ बंद हो जाती है, या किसी कारण उसकी नींद में कमी आती है, 3-4 दिन लगातार नींद का संतुलन जब बिगड़ता है, तो उस टाइम उस आत्माओं को पावर सूक्ष्म शरीर आत्माएं ज्यादा जोर से अटैक करती है और बीमारी और बड़ा रूप धारण करती है। और जो दवाइयां भी चलती है उसका भी साइड इफेक्ट होता रहता है। तो वो आत्मा आत्मा के अंदर ऐसे संकल्प चलते हैं कि दवाइयाँ बंद और कब मैं इसे छूटूं, तो अपने एडवांस ज्ञान के आधार पर परमानेंटली इन दवाइयों से और उस बीमारी से छूटने का कोई ऐसा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है कि कोई ऐसा स्टेज या रास्ता नहीं है क्या बाबा? क्या डॉक्टर मेडिकल साइंस वाले तो बोलते हैं कि अंत तक दवाइयाँ लेनी ही है, तो इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। एडवांस में तो बता दिया ना कि जो आत्माएं सूर्यवंशी नहीं है, इतर इतर वंशी हैं, चाहे वो ब्रह्मा की सोल हो, चाहे वो इस्लाम धर्म की सोल हो, कन्वर्टेड। उन आत्माओं में और सूर्यवंशी आत्माओं में क्या फर्क है विशेष, जिसके आधार पर जो सूर्यवंशी हैं वो भूत प्रेत का शरीर धारण नहीं करते, आत्मिक स्थिति। यह आत्मिक स्थिति मन में विकृत पैदा नहीं होने देगी, मन में किसी प्रकार की विकृति पैदा होती है तो बिंदु रूप नहीं धारण कर सकते। इसलिए उन आत्माओं को अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़े? ऐसी बीज रूप स्टेज में टिकना जिससे उनको प्रवेश करने का मौका ही न मिले। बाबा कोल्हापूरला पण आध्यात्मिक पाठशाला निघाली है, कोल्हापूरला पण एक 7-8 महिने झाले। गीता पाठशाला नहीं है? नहीं। तो खोलो, गीता पाठशाला नहीं है तो खोलो। गीता पाठशाला है कि दत्ताबाई सर है? दत्ताबाई सर क्या हुआ? तो अभी तो दत्ताबाई को क्या हो गया है? अभी खोल रहे बाबा जी लाया। हाँ खोलो, युगल है, एडवांस ज्ञान लिया हुआ है, भट्टी की हुई है, बेसिक नॉलेज में भी चल चुके हैं, तो गीता पाठशाला क्यों नहीं खोलनी चाहिए? और बाबा आत्मस्थिति स्थायी रूप से रहे इसलिए क्या उपाय करें? नष्टो मोहा तो आत्मिक स्मृति लब्धा है, आत्मिक स्मृति लब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए, उसके लिए क्या करें? कुछ छोड़ें तो कुछ मिले है। नष्ट हो मोहा, किस बात से मोह नष्ट हो जाए? देह से, देहधारियों से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से मोह नष्ट होगा तो आत्मिक स्मृति लब्धा प्राप्त हो जाएगी। जीते मरते हैं, जीते मरते हैं। हाँ वही देह बांध से, देह से मरेंगे तो आत्मिक स्मृति प्राप्त होगी। बाबा रावण राज्य की दुनिया है ना, उसमें नौकरी करते हैं तो ढील हो जाती है ना। रावण की नौकरी क्यों करते, भगवान की नौकरी क्यों न करो? अभी वो तो छोड़ नहीं सकते ना, बीच में है? बीच में नहीं छोड़ सकते ना। किसको बीच में नहीं छोड़ सकते? राहुल गांधी की नौकरी बीच में कैसे छोड़े? बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो फिर वो पेंशन नहीं मिलेगी ना। जिनको पेंशन नहीं मिलती है, यहाँ कितने बैठे हैं जिनको पेंशन मिल रही है? सबको पेंशन मिलती है क्या? तो उनकी जिंदगी नहीं चलती है? चलती है ना। और बाप ने तो सब बच्चों को गारंटी दी हुई है, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, मेरी सेवा में, माने मेरी नौकरी में जो बच्चे रहेंगे, सारी दुनिया भूख मरती रहे लेकिन मेरी नौकरी करने वाले बच्चे भूख, तुम्हारी पेंशन भी कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे चलकर की महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है पेंशन मिलना ही बंद हो जाए। ऐसा चालू है गवर्नमेंट है, चालू है ऊपर दिल्ली में, ऐसा चालू है। हाँ जी, इसलिए सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। और देव की भी भूख मिटेगी ना, बच्चे को बाप याद कर। हैं? बेहद की भी भूख मिटेगी ना, बेहद की भूख में ना याद बाप वो मिट जाएगी। बाप बच्चों को बेहद की भूख माने बाप की याद मिट जाएगी। याद मिटेगी नहीं मतलब आती रहेगी। आप तो कह रहे बेहद की भूख भी मिट जाए, अब वो बोल रहे ना याद नहीं आ रही, टिकली नहीं आती। अरे याद नहीं आ रही है तो कोई की तो याद आ रही है। मन का काम है याद करना, तो शिव बाबा की याद नहीं आ रही है तो जरूर चेकिंग करना चाहिए कि हमको किसकी याद आ रही है। कंप्लेंट कर दो, हैं? कंप्लेंट करते रहेंगे तो कंप्लीट होते रहेंगे, फिर छिपा लेते हैं। जिससे ज्यादा प्यार होता है ना तो उसकी प्यार की बातें छिपाई जाती है या सबको बताई जाती है? छिपाई ली जाती है। बाबा हाँ? एक मुझे में आया था हाँ? ज्ञान भी सहज है और याद भी सहज है, लेकिन बाबा से शक्ति लेना जो है वो बहुत कठिन है, मुश्किल है, ऐसा है। याद शक्ति लेना नहीं है। मुरली में आया तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे मुरली में आया तो वही बात हम पूछ रहे हैं, याद स्वयं में शक्ति लेना नहीं है। फिर याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी। हाँ, मिक्स याद करेंगे तो शक्ति नहीं मिलेगी, माने बेविचारी याद करेंगे तो शक्ति नहीं मिलेगी। हाँ। वो अभी बोला ना उसके मानव के पास भी जाते हैं, ये लड़ाई ये बीके वाले तो हर के मुसलमान बेहद के। पहले भी बताया था, एडवांस में जो चंद्रवंशी हैं वो किससे मिल जावेंगे? चंद्रवंशियों से मिल जावेंगे। एडवांस में जो इस्लामवंशी हैं वो किससे मिल जावेंगे? इस्लाम बेसिक में जो इस्लाम वंशी हैं उनसे मिल जाएंगे। ऐसे ही जो बेसिक के चंद्रवंशी हैं जैसे वो इधर मिल जाते हैं, वैसे ही उस दुनिया में जो ब्रह्म समाजी हैं उनसे मिल जाएंगे। बेसिक में जो इस्लाम वंशी हैं किससे मिल जाएंगे? इस्लाम वंशियों से मिल जाएंगे, बाहर की दुनिया की इस्लाम वंशी। मुस्लिम में मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस में मिल जाएंगे। तो सारी दुनिया एक तरफ और सूर्यवंशी मुट्ठी भर बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। उसको कहेंगे 5 पांडव और 100 कौरव। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। बाबा अभी बीच में बीके में एक पोस्टर किया था जिसमें लिखा था कि इस्लाम धर्म में और हम ब्रह्म कुमार में समानता, जैसे 8 पॉइंट लिखे जो समानता वाले हैं उसको उनको खुश करने के लिए है। तो लिखने वाला कौन है? सिर्फ वो कहते एक हैं और करते क्या हैं? अंत में तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये विजयी होना माना क्या? है हम बच्चों की विजय हो जाएगी या विकारी और विकारियों की विजय हो जाएगी? हम जो आत्म की स्थिति धारण करने वाले बच्चे हैं उनकी विकारों पर विजय हो जाएगी। इसलिए बोला है कि रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड किए जाएंगे, पिरोए जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे तो विजयी बन जाएंगे या भिखारी बने रहेंगे? विजयी बन जाएंगे। सबसे जास्ती दुनिया में भिखारी हैं कौन से संप्रदाय, कौन से जानवर? कुत्ता नहीं, बंदर। तो ये राम की सेना कहो, रुद्र की माला कहो, एक ही बात है। जब शंकर की बारात दिखाते हैं तो रुद्रगण कैसे दिखाते हैं? ऊंट पटांग दिखाते हैं कि नहीं? तो दुनिया के सबसे जास्ती विकारी हैं जिनको राम की सेना कहा जाता है। परंतु खासियत उनमें क्या है जो दुनिया वालों में नहीं है? वो बाप को पहचानते हैं और दुनिया वाले बाप को नहीं जानते। अगर दुनिया वालों की नजरों में वो बंदर है, लेकिन वो तो रूहानी नशे में है, उनको बाप मिला हुआ है, उनके लिए वो रूहानी नशे में वो नाच रहा है ना। दुनिया वाले वो ऐसा समझते हैं कि वो बंदरों की तरह नाच रहा है। तो डांस कर रहे हो तब ना है? ऐसा पिक्चर आएगा कि माउंट आबू पे हम लोग सब जाएंगे और वो पिक्चर मगर जस्ट रियलाइज करते हैं कि वहाँ पे हम लोग नाचते हुए बाप के साथ में जा रहे हैं और वहाँ पे वो लोग हार लेके स्वीकार कर रहे हैं और फिर कुछ कुछ अचंभे में गिर जाएंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो तभी बाबा प्रत्यक्षता होएगी, बाप की जब भी प्रत्यक्षता होएगी तो वो ड्रामा कैसा रहेगा बाबा? और जब होगी तब बाद में होगी, अभी क्या हो रहा है? तो अंत में विजयी होना माना क्या? वो आत्माएं कितनी होंगी जिनके लिए बोला है तुम बच्चों की अंत में विजय हो जाएगी? टोटल 4.5 लाख ना, इसके पहले वो अंत माना क्या है? अंत कब आता है? हैं? अंत तब आता है जब अति हो जाती है। अति होती है तो अंत हो जाता है, और वो अंत करने वाला है एक बाप। वो धर्म पिताएं तो बीच में आते हैं, वो अंत में आते नहीं। जो आदि सो अंत। तो वो आत्माएं कितनी होंगी जिनकी अंत में विजय होगी? हाँ, तो प्रजा हो गई। प्रजा की विजय नहीं कही जाती, किसकी कही जाती है? राजाओं की विजय कही जाती है। तो 108 आत्माएं हैं नंबर बार, उनकी विजय माला बनती है। विजय की यादगार विजय माला, रुद्रमाला नहीं। उनकी निशानी क्या होगी? जो विजयी होता है उसकी क्या निशानी? 2 सेनाएं लड़ती है, एक सेना हार जाती है और एक जीत जाती है। तो क्या दिखाई पड़ता है? जो हार जाती है उनका मुंह लटका हुआ, और जो जीत जाते हैं वो हर्षित मुख दिखाई देते हैं। उन आत्माओं का ड्रामा में बाबा के साथ क्या पार्ट होगा? कुछ पार्ट होगा या नहीं होगा? क्या पार्ट होगा? है नंबरवार आत्माएं है ना माला में, जो सूर्यवंश के हैं वो आदि से अंत तक सहयोगी रहेंगे, जो और वंशों के हैं और वंशों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो नंबरवार सहयोगी रहेंगे। कोई सदा के सहयोगी और कोई कब कब के टेम्परेरी सहयोगी। और उन विजयी वत्सों का पुरुषार्थ किस प्रकार का होना चाहिए? पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा के लिए वो क्या करें जो विजयी बन जाएं? हैं? विजय के लिए स्लोगन क्या दिया है? नहीं, विजयी शब्द के लिए निश्चय बुद्धि विजयते। जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना विजयी बनेंगे। और निश्चय बुद्धि कैसे बनेंगे? जितना गहरी पहचान होगी उतना विजयी भी बनेंगे। और ज्ञान तो एकदम गुहे में जा रहा है ना, ज्ञान तो गुहे में जा रहा है। बताया कि दुर्गति हो रही है सबकी। ज्ञान गुहे में जा रहा है, वो तो जा रहा है, लेकिन आत्मा भी गुहे में जा रही है, धारणा में जा रही है, हा? तो उसको गुह्यता कहेंगे? कोई बोल ज्यादा करता रहे, दूसरों को ज्यादा सुनाता रहे, खुद भी गहराई से समझता रहे। समझना भी गहराई से, बोलना भी गहराई से, दूसरों को समझाना भी गहराई से, लेकिन खुद धारण नहीं करना। तो रावण का ज्ञान है या भगवान का ज्ञान है? रावण का ज्ञान हो गया। हाँ, अब तक जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव रहे कि सारा जीवन किसी न किसी को मदद करने में लगे रहे, तो सामने वाले ने और ही नुकसान में डाल दिया। इसको क्या हिसाब किताब कहेंगे या नहीं? अरे पूर्व जन्म में हमने उसके साथ ऐसा किया होगा तो उसने भी हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो ऐसों के प्रति बहुत तीव्र नेगेटिव संकल्प आते हैं। तो ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें, अनेक जन्मों के राज को जानने वाला कहें या अजानता अज्ञानी कहें? अज्ञानी है। जो क्रिश्चियंस लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। जो हिंदू हैं वो ही पुनर्जन्म को मानते हैं। तो कुछ भी ऐसी बातें आ जाती हैं तो तुरंत पूर्व जन्म याद आने चाहिए। कि हमने इनके साथ ऐसा किया होगा तो उसका रिजल्ट हमको ऐसा मिल रहा है। बाबा याद आने से तो हिसाब किताब चुप हो जाता है ना, फिर वो तो हिसाब किताब चुप हो जाता है ना। ऐसा याद आ जाए कि हमारा उसने ऐसा नुकसान कर दिया, लेकिन वो नुकसान किया तो हमारा याद आता है कि तो हमने कभी इसको ऐसा किया होगा, इसीलिए उसने अब हमारे साथ, तो हमारा हिसाब किताब उनके साथ तो हो जाता है ना, बाद में याद ही नहीं आता है। उस मामले में चुकतू हो गया, फिर नया मामला शुरू हो जाए तो संकट चलाएंगे। आत्मा को अपने 84 जन्मों को जानने के लिए क्या करना चाहिए? है सुदर्शन चक्कर घुमाना चाहिए। सतयुग रहता तो आप कलयुग संगम युग है। अपने जन्मों को जानने के लिए खूब ईश्वरीय सेवा करना चाहिए। सेवा सेवा और सेवा। हम जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को लगाए देंगे, शिव बाबा हमको उतना ही जास्ती याद करेंगे। शिव बाबा कौन से बच्चों को याद करते हैं? सेवादारी बच्चों को याद करते हैं। शिव बाबा याद करेंगे तो शिव बाबा जब याद करेंगे तो हमें अपने जन्मों की स्मृति आएगी या नहीं आएगी? आएगी। जो बाप के जितने नजदीक होंगे वो उतना ही जास्ती सेवा में लगे रहेंगे। नजदीक होंगे तो 84 जन्म नजदीक रहने वालों को बाप की याद भी आएगी और अपनी स्मृति भी आ जाएगी। धर्म पिताओं के साथ जो रहे होंगे, उनको बाद में याद आएगा या पहले याद आएगा? अपने 84 जन्म जब धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होंगे तब उनको अपने अनेक जन्म याद आएंगे। हाँ। ये जो खेल बनाया है बाबा का, तो खेल बनाया नहीं है, ये खेल बना बनाया है, कभी बनाया नहीं जाता। हिसाब किताब का ही है क्या फिर? ऐसा है जीवन में कैसा चलने का? फिर हिसाब किताब हर एक के साथ में हिसाब किताब ही होता है क्या? ऐसा अच्छा है हिसाब किताब। हुआ जब इस संसार में आए हैं तो किसी न किसी के साथ जीना पड़ेगा या नहीं जीना पड़ेगा? अच्छा मत जियो, जंगल में चले जाओ, तो हिसाब किताब ही होता है। बिल्कुल किताब बनती है, हिसाब किताब के ऊपर ही खेल है। बिल्कुल, कोई का लंबा हिसाब किताब, कोई का छोटा हिसाब किताब। हिसाब किताब ही नहीं करना होता है तो सन्यासी बन जाओ। कोई कहते हैं हम ये भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों, हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, हम तो बस परमधाम में ही पड़े रहे। तो परमधाम में पड़े रहेंगे तो लास्ट में आवेंगे। लास्ट में आएंगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह एक जन्म होगा, फिर वापस जाएंगे, यही करते रहो। तो फायदा है कि नुकसान है? नहीं, फायदा उसमें है कि हम सुख ज्यादा भोगें, इस दुनिया में आकर के भी सुख ज्यादा भोगें और दुख कम भोगें। है कर्म तो अभी बाबा सिखा रहा है ना। बाबा अगर ईश्वरीय सेवा ही करते रहेंगे तो है, ईश्वरीय सेवा ही करते रहेंगे तो शक्ति तब तो अपने आप खुश हो। ईश्वरीय सेवा, हाँ ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे तो हिसाब किताब अपने आप चुकतू होते रहेंगे। ईश्वरीय सेवा करने से छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहेगी बाप की। क्या बड़े से बड़े खतरे भी टलते रहेंगे। बाबा बेसी वाले ने ले पाठ घेतला है, बेसी वाले त्यात मी आए थे ते सारखे हे करायला बेसी वालों क्या कर दिया? बेसी वाले सारखे पार्टीवर राहिले। आपको फॉलो करते हैं? आज बाप के पीछे पड़े हैं, कल सब के पीछे पड़ेंगे नंबरवार। जो बाप के जीवन में आता है वो नंबर बार बच्चों के जीवन में भी आना है। हमारे कहते हैं तुम्हारे हम देखने के लिए हमारे बच्चे भाग जाते, तो बचाओ ना अपने बच्चों को, तो अम्मा बाप बचाते हैं ना। हमारे बच्चे होंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारे ही पास रहेंगे। बाबा अभी बोल रहे हैं कि जब ईश्वरीय सेवा करते हैं तो बाप खुद याद करते हैं बच्चों को। ईश्वरीय सेवा में रहते हैं तो बाप खुद याद करते हैं बच्चों को। लेकिन कभी कभी आत्मिक स्थिति नहीं रहती और ईश्वरीय सेवा करते हैं तो भी बाबा बच्चों को याद करते हैं। जो सेवा स्वार्थ में रह करके की जाएगी, आत्मिक स्थिति में रह करके नहीं की जाएगी, वो सेवा सेवा नहीं है, वो डिस सर्विस है। ओम शांति।